डबल कंपैरिजन। डबल कंपैरिजन में किस तरह से वाक्य बने हुए होते हैं, आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना आपको मिलेगा, ऐसा अगर हमको कहना है, बराबर, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, तो इस प्रकार के वाक्य को डबल कंपैरिजन कहा जाता है। जितना आप ज़्यादा अर्न करेंगे उतना आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, बराबर, जितना बड़ा हाउस होगा उतनी ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगी, जितना फास्ट आप दौड़ेंगे उतने आप ज़्यादा हेल्थी होंगे। ये सब जो बोलने वाले सेंटेंस है उसको डबल कंपैरिजन कहा जाता है। पहला सेंटेंस जो दिया हुआ है यह देखेंगे हम, द मोर यू वर्क द बेटर यू गेट। द, पहले इसकी वाक्य रचना देख लेंगे, पहले द आएगा, दी आर्टिकल, बाद में मोर या मेनी और मच का कंपेरेटिव एडजेक्टिव है। ज़्यादातर सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो तभी दी आता है, लेकिन डबल कंपेरिजन में कंपेरेटिव एडजेक्टिव के आगे भी दी आता है। तो ये बनेगा दी मोर यू वर्क, बाद में सब्जेक्ट और वर्क। तो ये हो गया पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस भी उसी तरह बनेगा, द बेटर यू गेट, दी आर्टिकल, बेटर कंपेरेटिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट एंड वर्क, बराबर। उसी तरह से कई बार इस तरह से भी होता है कि यहाँ दी मोर वर्क यू डू ऐसा भी लिखा जाता है, तो मोर के बाद क्या लिखा, वर्क, तो वर्क या नाउन हो गया, तो कई बार इसमें नाउन भी लिखा जाता है, बराबर। अभी हमें किस तरह से वाक्य बनाना है उसके पहले हम एग्जांपल देखते हैं। द मोर यू अर्न, मतलब जितना आप अर्न करेंगे, द मोर यू स्पेंड, उतना आप स्पेंड भी कर सकते हैं, द बिगर द हाउस इज, ये हाउस जितना बड़ा है, द मोर स्पेस वी गेट, उतनी ज़्यादा स्पेस हमें मिलेगी, द फास्टर यू वॉक, जितनी फास्ट आप चलेंगे, द हेल्दियर यू बी, उतने आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, द मोर डिफिकल्ट द क्वेश्चन इज, जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा, द लॉन्गर टाइम वी टेक, उतना ज़्यादा टाइम हम लेंगे। इस तरह से वाक्य हमें बनाना है। इसलिए सबसे पहले वाक्य रचना याद रखनी है, पहला क्या, दी आर्टिकल, कंपेरेटिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट एंड वर्ब, बस इतना चार शब्द याद रखेंगे तो इसके वाक्य बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वाक्य रचना भी लिखी हुई है, दी कंपेरेटिव एडजेक्टिव, बाद में नाउन, वो मैंने आपको बताया ना कि वो भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो पहला सेंटेंस है द मोर यू स्टडी, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं द मोर स्टडी यू डू, द मोर स्टडी यू डू, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर। तो कई बार नाउन भी उसमें यूज होता है, बराबर। देखो द कंपेरेटिव एडजेक्टिव नाउन सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स, अगर हो तो उसी तरह से द कंपेरेटिव एडजेक्टिव नाउन सब्जेक्ट वर्ब एन अदर वर्ड्स, बराबर, अदर वर्ड्स अगर हो तो लिखना है वरना नहीं। अभी यहाँ पहला सेंटेंस है, देखिए द मोर यू स्टडी, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आप उतना ज़्यादा लर्न करेंगे, ये हमको लिखना है। तो मोर शब्द तो यहाँ दिया हुआ है तो हम लिखेंगे द मोर, आप स्टडी करेंगे तो आप ही लर्न करेंगे, इसलिए सब्जेक्ट भी लिखना है यू, द मोर यू लर्न, ये सेंटेंस हो गया, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। उस तरह से दूसरा सेंटेंस है, द लेस यू प्ले, जितना कम खेलेंगे मच स्टडी, उतना ज़्यादा अभ्यास कर सकेंगे, ऐसा कहना है। तो मच का कंपेरेटिव हो जाएगा मोर, तो यहाँ लिखेंगे द मोर यू स्टडी, द लेस यू प्ले द मोर यू स्टडी, जितना कम खेलेंगे उतना ज़्यादा अभ्यास कर सकेंगे। उसी तरह से द फास्टर द कार इज, कार जितनी फास्ट होगी डेंजरस, उतनी ही डेंजरस भी होगी, ऐसा हमें कहना है। तो हम लिखेंगे द फास्टर द कार इज द डेंजरस का जो सुपर कंपेरेटिव है होगा मोर डेंजरस, द मोर डेंजरस द कार इज, लेकिन दूसरी बार कार लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए हम इट इज लिखेंगे, बराबर, द फास्टर द कार इज द मोर डेंजरस इट इज। उसी तरह से चौथा सेंटेंस है, द मोर यू सेव, जितना आप ज़्यादा सेविंग करेंगे उतना आप रिच पैसे वाले बन जाएंगे, द मोर यू सेव, तो रिच ये एडजेक्टिव है उसका बनाएंगे रिचर, द रिचर यू बिकम, द मोर यू सेव द रिचर यू बिकम, जितना ज़्यादा सेव करेंगे उतना ज़्यादा रिच बनेंगे, द लेस यू वरी, जितनी कम चिंता करेंगे उतने ज़्यादा हेल्दी बनेंगे,
तो द हेल्दियर यू बी। और लास्ट सेंटेंस, द बिगर द हाउस इज, जितना आपका जो हाउस है वो बिगर होगा, द मोर कंफर्टेबल इट इज, उतना ज्यादा वो कंफर्टेबल होगा। द बिगर द हाउस इज द मोर कंफर्टेबल इट इज, इस तरह से वाक्य बनते हैं।